Assalamu alaikum students. Today we are going to learning about the Mendelian genetics. Mendelian genetics ke bhi osan classical genetics chana cho to jo genetics jo father aaye wo Mendel aaye. Gregor John Mendel is the father of the genetics. Ai yo 1822 ha 1884 1822 mein isi mein jao 1884 isi mein hi wafat kare ho ta hina je duran jo hi period aaye wo Mendel ji life ha. तो बेसिकली मेंडल जी जेका जॉब हुई वो एक चर्च में एक पादरी हो उन चर्च के बारे में गार्डन मौजूद होंगे जिनमें मुख्तलिफ किस्म जो प्लांट मौजूद होंगे हुआ उनमें ख़ास तौर प्लांट मौजूद होंगे पी याने मटर ठीक है उनको जो हों प्लांट याने बूटो मौजूद होंगे तो उन मटर के प्लांट से मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट किया रिजल्ट्स ठाया आई वे एक्सप्रेस कराई पब्लिश कराई पर अनफॉर्चुनेटली इनके लाइफ के दौरान मेंडल के लाइफ के दौरान कोई भी इनके मतलब कोई भी इनके अवार्ड न मिलो बल्कि कें भी साइंसदान यो न मनो तो सही वर्क कर इनके कें भी एक्सेप्ट न कर आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ डेथ जैसे ही मरी वो 1884 ईस्वी में 16 सालन खां बाद में इन साइंटिस्ट के खबर पई तो वाकई जो मेंडल हुयो वो उन वाकई वर्क किया उन कोई कम किया बेसिकली इन जे कम जो जो अगर असा जायजो दिसों तो इन मटर ते एक्सपेरिमेंट किया मटर जो जो प्लांट आ उन ते असा इंदासी त जो मटर जो प्लांट इन चूज छो कयो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट ही सिलेक्टेड द पी प्लांट द फर्स्ट रीजन यो आ जो मटर जो प्लांट आ वो आहे हर्माफ्रोडाइट ठीक है मटर जो प्लांट आ वो है हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट जो मतलब यो आ जैमें बोथ सेक्सेस मौजूद होजन यानि मेल भी हो सागो प्लांट एंड फीमेल भी जी असा खबर आ सपोज के जो प्लांट हूँ एंजियोस्पर्म जो प्लांट हूँ उनमें होंगी ओवरी प्रेजेंट होंगी ठीक है उन भरसा स्टेमिन मौजूद हों ठीक है अगर कें भी फ्लावर से कें फ्लावर से बई पार्ट मौजूद होजन ओवरी फीमेल पार्ट आ स्टेमिन मेल पार्ट आ तो बई जन से पार्ट अगर एकड़ी प्लांट से मौजूद हन तो उनके चाहिए वो है असो हर्माफ्रोडाइट जी अस स्पंज में पढ़ी आयासी तो स्पंज जी हूँ पोरीफेरिया हूँ तो पोरीफेरिया जी उ पानी में रहा उन जिसम से मेल पार्ट हों फीमेल पार्ट हों उन में फर्टिलाइजेशन थी तो इन में जै भी प्लांट में ओवरी भी स्टेमिन यानि मेल एंड फीमेल पार्ट मौजूद हुए तो इन में जो फर्टिलाइजेशन थी उनके अस चंदी सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पोलिनेशन ठीक है सेल्फ पोलिनेशन जो मतलब यो आ तो ही जैसे स्टेमिन मेल पार्ट मेल जो ग्रेन्स प्रोड्यूस यानी इन में अंदर एंथर प्रोड्यूस या पोलिन ग्रेन प्रोड्यूस तो ही ऑटोमेटिकली थ्रू द एयर या मिसाल तौर कोई इंसेक्ट के जरिए इन ओवरी के स्टाइल में गुजरी कर इतने जो एम्ब्रियो हों या इन जो ओवम हों उन फ्यूज थी करे रिप्रोडक्शन करे सके तो एज इट मतलब कोई भी इन में अमल दखल नथी सके तो पान जो प्लांट मटर जो प्लांट इन में प्रोसेस थींदो रहंदो आ नेचुरली यो प्रोसेस थींदो रहंदो आ पर अगर असा ही मतलब कढ़ी छ्यूँ मगर मतलब ही जो मेल पार्ट आ वो असा तो रिमूव कर छ्यूँ सिर्फ ओवरी बची आ तो हाँ ही जो है ओवरी फर्टिलाइज केर कंदो ओवरी फर्टिलाइज कर असा कें बो जो है मेल पार्ट कें बे प्लांट जो अस मेल पार्ट खड़ी ठीक है असा कें बे प्लांट जो ही जो मेल पार्ट आ वो खी आया यानि असो स्टेमिन खी आया बो एंथर खी आया तो हाँ ही जी फर्टिलाइजेशन थी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन ठीक है अगर सेम फ्लावर से बई पार्ट मौजूद हैं मेल फीमेल तो वह सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर सेम प्लांट आ उन अस मेल पार्ट कटी था छूँ या फीमेल पार्ट कटी था छूँ कें बे प्लांट जो पार्ट खी था चाहूँ तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन
ठीक है। हाँ इन कराने जो मकसद यो हों फॉर सपोज कि ये प्लांट आ सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो प्लांट आ जिनमें मेल एंड फीमेल पार्ट मौजूद आ तो वो प्रोजेनी कह उनको नस्ल आ उनमें वेरिएशंस घट इंदूँ ठीक है उनमें वैरायटी घट इंदी पर अगर अस वैरायटी दिसण चाहूँ तो अस कें बे प्लांट जो मेल पार्ट खड़ी फीमेल से क्रॉस करायूँ तो असं दिसूँ तो उनको न्यू जनरेशन्स वाकई वेरी थी अचन तो उनके अस क्रॉस फर्टिलाइजेशन चवंदा ठीक है। तो मतलब हर्मोफ्रोडाइट जो यो फायदो आ तो उनमें छा थी सके थी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी थी सके थी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। इन खान अलावा मटर जे प्लांट जा भी यो फायदो हो तो उनको जो लाइफ साइकिल हो तमाम शॉर्ट हो लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट हो मतलब जदें मटर जा प्लांट जे पान में मेंडल्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो उनको जो न्यू जनरेशन हो या न्यू जो सीड ठो वो विद इन मंथ जो है ना वो रेडी थो तो मतलब इनके रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलन पाया तो इन पी प्लांट सिलेक्ट कर अगर वो कोई बो प्लांट सिलेक्ट करें उनमें फर्टिलाइजेशन कराएं तो उनमें घो टाइम लगे जिस तीन फ्रूट ठे फ्रूट वरी न्यू जनरेशन दें तो तरीके से जल्दी एक्सपेरिमेंट जा रिजल्ट वठण के लिए पी प्लांट इन सिलेक्ट कर पी प्लांट में बोथ रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन सेल भी क्रॉस भी तो यो भी उनको बेनिफिट हो दैट्स वाई ही चूज द पी प्लांट। अच्छा इन अलावा जो सेवन करेक्टरिस्टिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक मेंडल्स की जेनेटिक्स जा पी प्लांट जा उए ही हैं ठीक है। रीज़न के भी करे पी प्लांट के सिलेक्ट कर छो तो पी प्लांट में हर करेक्टर के लिए ब शू ठीक है हर करेक्टर जहाँ मेन पार्ट हुआ तो उनके करे मना मेंडल भी इन करे सिलेक्ट कर। अच्छा ही जो है पेरी पेरी जो है वो आए सीड शेप मतलब जो बिज आ उन शेप आ वह कड़ी आज बन से साइड अचन प्य बन से उन रिजल्ट अचन पड़ो राउंड अचे पो राउंड मतलब बिल्कुल अड़े तरीके से क्लियर राउंड रिंकल्ड जो मतलब आ उनको सरफेस जो थोड़ो इरेग्युलर हो उनके अस रिंकल था चाहूँ तो ब रिजल्ट जो हे गेन करे पो उन बाद में सीड कलर मतलब वो सीड कलर भी माना डिफरेंट अचन पड़ो जो अचे पो येलो अचे पो बो अचे पो वो ग्रीन अचे पो ठीक है। उन बाद में प्लांट हाइट तो वह जी वह बिन किस्म की अचे पी अचे पी टाल ठीक है टाल ए बी अचे पी डॉफ तो हे भी से बे रिजल्ट्स वो इन अलग अलग मिलन पा टाल एंड डॉफ जो मतलब इन मतलब इनको समझाने जैसे लॉज ऑफ मेंडल्स इंदी छो तो इनमें ब लॉज ऑफ मेंडल्स मेंडल ठाया जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असारमेंट तो वह इन बेस हुआ मतलब अस सपोज क्यों था टाल प्लांट रखूँ ब टाल प्लांट खायासी उन पा में ब्रीडिंग कराइंदी तो नेक्स्ट रिजल्ट छा सब टाल इंदा या कुछ डॉर्फ इंदा या मिसाल तौर अस डॉर्फ प्लांट माना नंढा प्लांट कयासी उन पा में ब्रीडिंग कराईसी तो उन रिजल्ट इंदा डॉर्फ इंदा या सभी की हाइट वी तो वे रिजल्ट्स माना जी अचन पे पेयर में अचन पा उन बाद में आए प्लांट हाइट टाल एंड डॉफ प्लांट पोजिशंस मतलब जो पोजिशन जो है वह प्लांट की कड़ी आ एक्सियल पोजिशन है या टर्मिनल पोजिशन फॉर सपोज कि ये स्टेमिन स्टेमिन जो है ग्रो कहने मथे और फाइनल पोजिशन से कोई फ्लावर वगैरह ठाए तो ये असानी टर्मिनल पोजिशन आ टर्मिनल पोजिशन जो माना टर्मिनेट करे आखिरी पॉइंट से होने के टर्मिनल पोजिशन चाहिए अगर ये साइड में ब्रांचिस कटे तो इनके अस चाहिए एक्सियल ब्रांचिस या एक्सियल फ्लावर वगैरह तो उनकी पोजिशन मतलब पेयर में पे अचे उन बाद में पॉड कलर पॉड चवंदा मटर के बाहर कवर के ठीक है मटर की वेजिटेबल वरती हूँ तो उनमें अंदर मटर मौजूद न होने कवर हों तो उनके अस चाहिए पॉड चवंदी तो वो भी जो बिन शेप जो थे ग्रीन पे ठे बो येलो पे ठे उन बाद में पॉड शेप पॉड शेप जो भी जो है ना वो बिन टाइप जो अक्सर मटर डिठा हूँ जी मतलब इन्फ्लेंटेड मतलब वे बिन्हीं पास सुगल ठीक है इनके असर इन्फ्लेंट चंदा कुछ जो मटर जहाँ प्लांट हूँ वे पिंचड हूँ मतलब वे अंदर फोर्स थल हूँ वे वीक हूँ ठीक है। उन बाद में फ्लावर कलर जो मतलब पी प्लांट आ उनमें जो फ्लावर आ बिन किस्म अचे पे पर्पल बो वाइट तो ये जी सेवन करेक्टरिस्टिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक मेंडेलियन जेनेटिक्स जहाँ पी प्लांट इन करेक्टर्स के सिलेक्ट किया इन बाद में एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट अस लास्ट की सूरत में पढ़ा दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स। थैंक यू।